गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, जो है हमारा न्यूट्रिशन एनिमल्स में जो हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि किस तरह कितने टाइप्स के क्या होते हैं, फूड को इनटेक करने के कितने तरीके होते हैं, इंजेशन पढ़ा था, डाइजेशन पढ़ा था और तीत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि आगे जब हमारा फूड जब इनटेक हो जाता है, माउथ में आ जाता है, तो उसके बाद फूड कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या उसके साथ होता है। तो माउथ में जाने के बाद फूड जो होता है वो हमारा फूड पाइप में एंटर करता है। हमारा जो फूड पाइप होता है उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। इसमें ओ साइलेंट रहता है, इसको पढ़ते हैं ईसोफेगस या फिर बोल सकते हो फूड पाइप। इसमें जब फूड आ जाता है तो ये क्या करता है, फूड को नीचे ढकेलता है। फूड को नीचे कैसे ढकेलता है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, ये लाइनिंग है, ये क्या करता है, इसका मूवमेंट करता है। इसके मूवमेंट के कारण क्या होता है, फूड हमारा जो नीचे आता है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टोमक। अब क्या होता है, जब अगर फूड नीचे आ गया और हमारे स्टोमक ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो स्टोमक क्या कर देगा, इसको वापस भेज देगा, और वापस भेज देगा तो हमें वॉमिट हो जाएगी, मतलब उल्टियाँ हो जाएंगी। तो ये काम होता है हमारे, जो हमारा फूड पाइप रहता है उसका सिर्फ इतना सा काम है कि फूड को स्टोमक तक ले जाना, माउथ से कैरी करना है और स्टोमक तक ले जाना है। इसके बाद जो अगला है हमारा वो है स्टोमक के बारे में, कि स्टोमक क्या करता है फूड के साथ। तो स्टोमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग है, कि इसकी जो वॉल रहती है, मतलब इसकी जो लाइनिंग रहती है वो थिक है। तो इसके बाद क्या होता है, ये थिक लाइनिंग का है और ये क्या है, फ्लैटेंड यू शेप का है, कि यू को तुम कैसा कर दो, फ्लैट कर दो, मतलब ऐसा कर दो। तो इस टाइप का है ये, फ्लैटेड यू शेप का है, थिक लाइनिंग है। और हमारी एलिमेंट्री कैनल, ये पूरी कैनल है माउथ से लेके एनस तक, उसका सबसे बाइडेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे चौड़ा पार्ट है हमारा स्टोमक। अब क्या होता है, स्टोमक में जब फूड जाता है तो स्टोमक तीन चीजें प्रोड्यूस करता है। एक तो हो गया म्यूकस, एक हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके बाद जो है डाइजेस्टिव जूसेस। तो इन सब, ये तीनों चीजें जो स्टोमक सीक्रेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये हमारे स्टोमक में काम क्या करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो फूड के साथ क्या होता है, हमारे हमारे स्टोमक में कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं। हमें उस बैक्टीरिया को क्या करना है, ख़त्म करना है अपने स्टोमक से, अपने फूड से। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन ये क्या है, एसिड है। एसिड से क्या होता है, हमारे जो पेट की लाइनिंग है, इनर वॉल है, उसको नुकसान हो सकता है। तो इस एसिड से हमारे जो स्टोमक है उसकी इनर लाइनिंग को बचाने के लिए म्यूकस हेल्प करता है। और ये एसिड क्या कर देता है, पूरा मीडियम क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है। हमारा जो फूड रहता है उसका पूरा मीडियम क्या कर देगा, ये एसिडिक कर देगा। इसके बाद फूड थोड़ा और नीचे जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा, तो ये क्या करेगा, कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करेगा। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, जो फूड होता है उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो इसके बाद द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, जो आपको बताया कि म्यूकस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की। और जो डाइजेस्टिव जूसेस रहते हैं फूड में, क्या डाइजेस्ट करते हैं, फूड का जो प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद फूड कहाँ जाता है, स्टोमक के बाद फूड जाता है हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्या है, लॉन्ग थिन ट्यूब होती है, बहुत पतली और लंबी ट्यूब होती है, हाईली कॉइल्ड रहती है। हाईली कॉइल्ड मतलब होती है एक दूसरे में बहुत घूमी हुई रहती है। तो ये कितने मीटर की रहती है, लगभग 7.5 मीटर की रहती है, मतलब हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है ये। 7.5 मीटर बहुत होता है, तो 7.5 मीटर की ये रहती है। उसके बाद इसकी जो इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड द पेनक्रियास। अब इसमें जो डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, लिवर से आते हैं और पेनक्रियास से आते हैं। तो
और क्या होता है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, जो इसकी इनर लाइनिंग है वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड किसको बोला है, इसने बोला है लार्जेस्ट ग्लैंड द लिवर को, क्योंकि लिवर क्या है यहाँ पे, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें दो चीज़ों का सीक्रेशन आ रहा है, मतलब दो चीज़ें अपने डाइजेस्टिव जूस भेज रही हैं, एक तो लिवर हो गया और एक पेनक्रियास हो गया। लेकिन लिवर को इसने क्या बोल दिया, लार्जेस्ट ग्लैंड बोल दिया। हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें जितनी भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही हैं ग्लैंड्स, उनमें सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो हमारी लिवर है। तो आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो आप बोलोगे लिवर। उसके बाद इट्स सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। जो हमारा लिवर होता है ये क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। सीक्रेट करने के बाद जो बाइल जूस होता है वो कहाँ रखा जाता है, वो रखा जाता है एक थैली, थैली जैसा एक शेप होता है, उसको बोलते हैं गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर में इस जूस को रखा जाता है और धीमे धीमे जब फूड आता है उसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये धीमे धीमे उसको देता जाता है। इसके बाद द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। तो जो हमारा बाइल जूस है ये क्या करता है, किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। जैसे कि यहाँ डाइजेस्टिव जूस स्टोमक का किसको डाइजेस्ट कर रहा था, प्रोटीन को, तो लिवर का जो बाइल जूस है वो किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को। तो ये आपको याद रखना है कि बाइल जूस क्या डाइजेस्ट करता है, फैट डाइजेस्ट करता है। अब पेनक्रियास के बारे में बात करें, द पेनक्रियास इज अ लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। तो स्टोमक के जस्ट नीचे एक लार्ज कलर की क्रीमी ग्लैंड होती है, उसको हम बोलते हैं पेनक्रियास। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो जो पेनक्रियास से हमारे क्या निकल रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं। पेनक्रियास हो गया, ये क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। इसने क्या सीक्रेट किया, पेनक्रियाटिक जूस। और जो पेनक्रियाटिक जूस किसको डाइजेस्ट करते हैं, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसको और प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। इनको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ती है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो जब लिवर और पेनक्रियास ने अपना काम कर दिया, उसके बाद भी अगर कुछ बचता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इस लोअर पार्ट रहता है, मतलब सबसे नीचे का पार्ट रहता है, वो क्या करता है, जितना डाइजेस्ट होने के लिए बचा है उसको पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। तो ये देखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लास्ट में जो जूस निकलते हैं, जो ओवरऑल अपने फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो वो किस चीज़ को किस सब्सटेंस में बदलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके किस चीज में चेंज किया जाता है, सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जो हमारा फैट्स होता है उनको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और जो प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड्स में। तो इस तरह जो हमारा पूरा फूड होता है वो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेस्ट हो गया। इसके बाद एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्ट हुआ फूड क्या होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। द
द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इन टू द ब्लड वेसल्स इन द बॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये डाइजेस्ट हो गया फूड, अब क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स रक्त की जो नसें होती हैं वो अटैच होती हैं। तो क्या होता है जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये रक्त में घोल देती हैं, रक्त में घोल देती हैं, मतलब इसका मतलब क्या हुआ ये एब्जॉर्प्शन हो गया कि जो डाइजेस्टेड फूड हुआ उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया हमारे ब्लड ने, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो हमारा जैसे अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्यूब है इसके अंदर ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं क्योंकि फूड ज़्यादा टाइम तक हमारे इंटेस्टाइन में रुक सके। क्यों रुक सके? क्योंकि हम अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर सकें, उससे न्यूट्रिएंट्स पूरे निकाल सकें। तो ये क्या करता है इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं विलस। अगर एक हो तो आप विलस बोलोगे और इसका प्लूरल बनेगा बहुत सारे हैं तो इसको क्या बोलते हैं विलाई, तो नॉर्मली विलाई यूज होता है। इसके बाद देखते हैं ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर से क्या होता है जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो अटैच होती हैं विलाई के अंदर से, तो यही करता है एब्जॉर्प्शन पूरे फूड का। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसमोटेड वी आर ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ब्लड में हमारा एब्जॉर्ब सब्सटेंस आ गया तो ब्लड क्या करता है उसको उस डाइजेस्टेड फूड को हर एक बॉडी पार्ट तक सप्लाई करेगा, हर एक सेल तक सप्लाई करेगा। इसके बाद देखते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है ये देखना है, द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसमोटेड वी आर द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज प्रोटीन। तो यहाँ से क्या हुआ, अभी हमने क्या किया था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को कन्वर्ट किया था सिंपलर सब्सटेंस में, छोटे छोटे सब्सटेंस में, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं जिनको हमारा ब्लड डायरेक्ट ले नहीं पाता है, इनको आपने सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया इसको यहाँ पे विलाई ने क्या किया एब्जॉर्ब कर लिया तो ब्लड में घुल गए। ब्लड में घुलने के बाद वो पूरी बॉडी पार्ट तक जाएंगे और हर एक बॉडी पार्ट क्या करेगा उनको फिर से क्या करेगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा, जैसे मतलब प्रोटीन होता है तो ये क्या करता है प्रोटीन में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये सिंपलर सब्सटेंस या एब्जॉर्प्शन से मिला हुआ जो डाइजेस्टिव फूड रहता है अगर उससे हम फिर से अपना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मतलब प्रोटीन बनाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम एसिमिलेशन, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे एसिमिलेशन। इसके बाद देखते हैं इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो सेल में जो क्या होता है ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और क्या होता है हमारी एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके बाद जो लास्ट पार्ट है आज का वो है कि जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका पूरा डाइजेशन हो गया, अब फूड क्या करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, द लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा वाइडर है मतलब ज़्यादा चौड़ी है और शॉर्टर है मतलब उससे लेंथ में थोड़ी छोटी है। तो आप ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो लंबी थी और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी थी। इसके बाद देखते हैं इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। इसके बाद इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड अनडाइजेस्टेड बचा था जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब आएगा तो उसमें से क्या होगा जो सॉल्ट रहेगा और जो वाटर रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन उसका क्या करेगी एब्जॉर्ब कर लेगी, द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू रेक्टम एंड रिमेन्स देयर सेमी सॉलिड फीकस। तो जो रिमेनिंग वेस्ट बचेगा लास्ट में वो रेक्टम के पास आ जाएगा, रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और वहाँ पे किस फॉर्म में स्टोर होगा सेमी सॉलिड फीकस के फॉर्म में, द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो जो फीकल मैटर बचेगा जो फीकस अपना बचेगा
वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है टाइम टू टाइम, और इस फूड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं इजेशन। ई से इजेशन, और फूड को लेने की जो प्रक्रिया थी उसको क्या बोला था हमने, इंजेशन। आई से इंजेशन। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आई एन एन और जेसन हो तो फूड को इन करने की बात हो रही है, और ई से होता है एग्जिट, तो ई से एग्जिट याद रखना तो वो फूड को बाहर निकालने की बात हो रही है। दोनों प्रक्रिया हो गई, आज के आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम आपका चैप्टर क्लियर कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। इसके बाद इसके आपको आज नोट्स बनाना है अच्छे से, आपको जो डाउट्स होंगे लाइव सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।